ब्रह्मांड का विकास हुआ, धरती बनी, फिर धीरे धीरे इंसानों ने जन्म लिया। उन्होंने अपने विकास के लिए झोपड़ियां बनाई, फिर झोपड़ियों से घर, घर से बिल्डिंगें बनती चली गई। इस काम में टेक्नोलॉजी ने इंसानों का साथ दिया, पर जिसने टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा फायदा उठाया उन्हें धरतीवासी कहते हैं। चोर, जी हाँ, शहरों के चोर इसमें सबसे ज्यादा माहिर हैं, और वो जब चाहें किसी के भी घर में हाथ साफ कर सकते हैं। देखा, कर लिया ना हाथ साफ। इस पट्टे को क्या पता कि ये सीसीटीवी कैमरे की नजर में था। क्या? छोड़िए, इनका तो होता रहेगा, लेकिन गांव के चोर, चोरी करने का सबसे अच्छा तरीका मुझे इन लोगों का लगा। चुपके से जाओ, धीरे धीरे घड़े को देखो, अब उसके पास आओ और आराम से अपने हाथ साफ कर लो। पर एक मिनट, ये क्या हुआ? ओ हाँ हाँ, गांव में पानी कहाँ है? वैसे इस चोर का नाम करनू चोर है। इसके चोरी करने के तरीके सबसे अलग हैं। गांव के सभी लोग इससे डरते हैं, और खासकर बच्चे। आपको बता दें कि ये दिन दहाड़े चोरी करने का बड़ा शौकीन है। ये कब आता है, कब चुपके से चोरी करता है, और कब निकल जाता है किसी को भनक तक नहीं लगता। ये है गांव का अरुणमल सेठ, गांव का सबसे अमीर आदमी। कभी ये शहरों में चोरी किया करता था। एक दिन ये सीसीटीवी की नजर में आ गया, और उसके बाद से इसने चोरी करना छोड़ दिया और काला धंधा शुरू किया। अब ये पैसे उछालता है, अपने पैसों को खुद ही उठाता है, फिर उछालता है और उन पर सो जाता है। देखा है तुझको जब से, हाय मैं तो हिल गया, लगता है मेरे सीने से दिल निकल गया। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे, कुछ ऐसा हो तुम। बॉस, आपके लिए एक मस्त चीज लाया है। बोल बे। अबे मेरे बाप की तो थके ला तू, और उसको मैंने ऐसा धोबी पछाड़ दिया मानो। ये लो बॉस, चाय। अरे शाबाश से राजा, बैठ मेरे पास। अबे कितनी बार कहा है चाय ठंडी बनाया करो बे, कितनी बार कहा है तुमसे, कितनी बार कहूंगा। कैसे ना कैसे करके हमें वो चीज चुरानी है, प्लान बनाओ बे। हाँ, आज रात को चोरी करेंगे बॉस। अबे रात को चोरी कौन करता है बे? तभी मैं सोचूं आस पास के सभी चोरों में नाम खराब होता है हमारा। अबे रात को चोरी नहीं करेंगे, दिन दहाड़े चोरी करेंगे, नाम मत बनेगा। निकल यहाँ से। ठीक है बॉस, मैं दिन में चोरी नहीं करूंगा, जा रहा हूँ। अबे निकल। कलवा, चलवा कह तो ठीक रहा था यार, रात को ही करेंगे, पर तू उसको मत बता दियो कि उसका ही प्लान यूज किया था। लो, ये आ गए बैंग बैंग करने वाले। अबे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा वे? अरे वाह, तू तो जादूगर निकला वे। और लो, ये आ गई है सीसीटीवी कैमरे की नजर में। क्या बड़ू ये सीसीटीवी, मुझे नहीं करना यार। अरे वो आदि मानव कुछ ना होता, चल रहा से। मेरी बात सुन, बाहर ध्यान रख, और अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, मैं अंदर जाता हूँ और लेकर आता हूँ। मैंने कहा था ना ये पैसों पर सोता है। पैसे किसको चाहिए बे, मुझे जो चाहिए वो तो अंदर है।
ये मच्छर है ना, अभी अपने गाल पे मारना, मेरे गाल पे क्यों मार रहा है? इनकी ये आदत मुझे बड़ी अच्छी लगती है, ये कभी हार नहीं मानते। नो 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 और इतना पिटने के बाद भी ले फिर आ गए सब राज्य खुशे। लगता है कोई नहीं है, कर लो चोरी, मार लो डाका। पर हाँ, इनके चेले अत्यंत वफादार हैं। अबे चलती फोन। बॉस, कोई दिक्कत हो तो बता देना, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। अबे सस्ते ऋतिक रोशन, बैंग बैंग करेगा, चोरी करेगा, चोरी करेगा। अब की बार तो शायद करनू हार मान ही लेगा। अरे कुछ तो खास है इस चोर में, इतनी चालाकी बस गांव के चोरों में ही हो सकती है। ओ सॉरी, कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी मैंने, शायद अब की बार करुण का फॉर्मूला काम कर जाए। चलिए देखते हैं। चिड़ियों की चहचहाहट के साथ फिर एक नई सुबह। सेठ हमेशा की तरह अपनी अलमारी के पास जाएगा और देखेगा कि धन बढ़ा है या नहीं। चलिए हम भी देखते हैं। झूठा जग रैन बसेरा, साचा दर्द मृग तृष्णा सामो पिया। मैं बदला लूंगा, अब होगा बदला। करणु मैं आ रहा हूं। अरे वाह, सेठ ने तो आज कपड़े भी चेंज कर लिए, पता नहीं आज क्या होगा। दे, देख लेंगे। अबे आ कोतवाल, आजा इधर, आ तुझे बताता हूँ। हाँ तेरा इंतजार कर रहा हूँ, आजा देख लूँगा। आने दे, आजा आजा कोतवाल। ये क्या हो रहा है? क्या बे, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहे ले, दिखता नहीं है क्या? निकल, अबे निकल। ये देखने के बाद मुकेम्बो ओसोरी सेठ खुश हो गया, और उसने जब उसके अंदर झांक कर देखा, आसपास देखा कि कोई है तो नहीं, उससे निकलता है बेशकीमती। नो 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 नो।
Yeah!